आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। एसडीएम सीओ रेलवे स्टेशन पहुंचकर चक्र भ्रमण किया। गाजीपुर के जमालिया रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन रुकी रही। बिहार में रेल पटरियों पर हुए उग्र प्रदर्शन को लेकर जमालिया स्टेशन पर 3 घंटा 10 मिनट तक खड़ी रही मगध एक्सप्रेस। सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ के विरोध में गुरुवार की सुबह बिहार के बक्सर सहित पूरे बिहार में रेलवे स्टेशन और रेल पटरियों पर भीम आर्मी सेना द्वारा किए गए उग्र प्रदर्शन के कारण बक्सर से डीडीयू के बीच अप और डाउन लाइन के बीच विभिन्न रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर सहित अन्य मेल ट्रेनें खड़ी हो गई। इस दौरान अप और डाउन रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन हो गया, जिसके क्रम में स्थानीय रेलवे स्टेशन के डाउन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नंबर 20802 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस गुरुवार की सुबह 10:51 पर खड़ी हो गई, जिसके बाद स्टेशन द्वारा उक्त घटना की सूचना प्रसारित की गई कि स्थिति सामान्य होने की सूचना पर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया जाएगा। सुनते ही ट्रेन में बैठे रेल यात्री परेशान हो गए। इसकी सूचना मिलते ही एसडीएम भारत भार्गव, सीओ हितेंद्र कृष्ण, तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा, कोतवाली प्रभारी श्रीमती वंदना सिंह, मैं पुलिस कर्मियों के साथ चक्रमण भ्रमण करते हुए शरारती तत्वों पर कड़ी नजर बनाए हुए थे। पुलिस की मौजूदगी को देखते हुए यात्रीगण ट्रेन के डिब्बों से बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म पर उतर गए, इधर उधर घूमने लगे, साथ ही चाय पान की दुकान पर पहुंचकर चाय पान करने लगे और ट्रेन के खुलने को लेकर घंटों परेशान रहे। दोपहर करीब 2 बजे ट्रैक क्लियर होने की सूचना पर स्थानीय स्टेशन से 2:03 पर मगध एक्सप्रेस खुलकर अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हुई। तब जाकर रेल यात्रियों ने राहत की सांस ली। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट।